हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। आपको यहाँ बता दें, यह अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संस्था है। इसका सचिवालय है जो बेना में है, ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसके सदस्यों की बात करें तो संस्थापक सदस्यों में शामिल है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें हम लोग, वर्तमान सदस्यों में शामिल है अल्जीरिया, अगोला, अंगोला, इक्वाडोर, गेवन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, गिनी, कांगो। आपको बता दें, कांगो ने 2018 में सदस्यता इसकी ग्रहण की। और जो कतर शामिल है, इसे कतर ने 2019 में सदस्यता त्याग दी, ठीक है, 1 जनवरी से। तो अब वर्तमान में इसमें 14 देश बचे हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितने, 14। अगले बात करते हैं, आगे कुछ देखते हैं इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्यों में शामिल है पेट्रोलियम नीतियों का एकीकरण करना, सदस्य देशों के बीच समन्वय तंत्र विकसित करना, पेट्रोलियम उत्पादों का उचित एवं स्थायी मूल्य विकसित करना, उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए नियमित सप्लाई बनाए रखना। इसके सेमिनारों की बात करें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, उत्पादक उपभोक्ता देश भी हिस्सेदार होते हैं इसमें। सातवां जो हुआ था इसका जून 2018 में बीना में, इसका थीम था पेट्रोलियम कोऑपरेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए दोस्तों, ये था ओपेक।